चलिए सो डे टू ऑफ यूएस सीपीए सी ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ऑडिट और साल का लास्ट डे थर्टी दिसंबर भी आप लोग पढ़ने आए हैं सो so इसका मतलब आप लोग बहुत सिंसियर हैं अपनी स्टडी के लिए सो दैट्स वेरी गुड काफी अच्छा लगा कि जो बच्चे रेगुलर लाइव आते हैं वो तो आए ही हैं और बाकी सारे बच्चे भी ज्वाइन कर रहे हैं तो आज हमारा डे टू है डे टू में हम बहुत कुछ नया सीखेंगे स्टार्टिंग की टेन फिफ्टीन क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है उसका रीजन कि आपको एक पैटर्न और थोड़ा सा बेटर समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करना है स्टूडेंट लाइव लाइव नहीं आते हैं, आते हैं 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 रिकॉर्डिंग में बट जो आ रहे हैं, उनको तो बेनिफिट है ही सो प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट कर दिया था पर्पस ऑफ ऑडिट पढ़ लिया था कि सर ऑडिट का क्या पर्पस होता है सो so, हम ये इसमें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पर्पस ऑफ ऑडिट में कि आपको देखना होता है ओपिनियन एक्सप्रेस करना होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछता हूं क्या आई एफ आर एस इज ऑल्सो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या आई एफ आर एस को भी एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क माना जाएगा या केवल यूएस गैप को माना जाएगा यस सर आई एफ आर एस इज ऑल्सो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क तो बींग ए ऑडिटर आपका टास्क क्या है ओपिनियन एक्सप्रेस करना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एस पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बने हैं ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट बने हैं तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ती हैं जो हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके थे उसके बाद हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑप्टेन रीजनेबल अश्योरेंस कम्युनिकेशन आज का इस लेक्चर में जो हम सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म जो कि आपको मैं हमारी जो बेसिक क्लास होती है उसमें भी काफी अच्छे लेवल पर समझा चुका हूं तो आप में से किसी को याद आता हो कि सर एक्चुअल मीनिंग ऑफ प्रोफेशनल क्या होता है सो so, एक वर्ड में बार बार यूज करता हूं बीइंग अलर्ट जब आपके सामने जब आप किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करने जा रहे हैं तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी आप जब उस इंफॉर्मेशन को के बेसिस पर अपने ओपिनियन को फॉर्म कर रहे हैं सो आपको एक प्रोफेशनल एटीट्यूड क्या करना पड़ता है मेंटेन करना पड़ता है। तो क्या है? एक एटीट्यूड है सस्पिशियस आप आप कहीं ना कहीं क्वेश्चनिंग माइंड कर रहे हैं कि आपके सामने जो भी इंफॉर्मेशन है आप उससे बायज नहीं होंगे कि आपको कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने कोई डॉक्यूमेंट आपको किया आप कंपनी का एमडी है उसकी तो गुडविल होगी क्या वो मुझे जो है, वो फेक दे सकता है क्या तो आपको प्रोफेशनल स्कैप्टिज मेंटेन करना चाहिए मैं पूछता हूं बीच बीच में आपसे पूछूंगा कि ये मेंटेन करने का क्या मतलब जैसे मैंने आपसे कि यू शुड एटीट्यूड क्या करेंगे कंपनी के एक मैनेजिंग डायरेक्टर ने आपको डॉक्यूमेंट दिए आपको प्रोफेशनल कैपिटलिज्म मेंटेन करना है व्हाट यू आर गोइंग टू डू क्या करेंगे आप हम्म क्या आप क्या करेंगे आपको आप एक कंपनी के सीपीए हैं कंपनी ने आप कंपनी के डायरेक्टर ने आपको उसके पर्सनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिए कि यार ये मेरा इनकम टैक्स का रिटर्न है ये मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट से मेरे बैंक का स्टेटमेंट्स और मेरे पास इतना बैलेंस तो आप क्वेश्चनिंग माइंड आपके मन में शुरू हो जाना चाहिए कि कहीं इसमें किसी प्रकार का कोई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है क्या मुझे अपनी कोई ऑडिट की प्रोसीजर लगानी चाहिए जिससे मैं इस बात की और और सेटिस्फेक्शन लेवल मेरा बढ़ जाए कि ये जो डेटा है ये किसी भी तरीके से मिसरिप्रेजेंटेड नहीं है कहीं मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है तो प्रोफेशनल स्कैप्टिजम एक एटीट्यूड है जब भी आपको कोई डॉक्यूमेंट मिलेंगे तो आपको उसके ऊपर क्वेश्चनिंग माइंड करना है कि कहीं उसमें किसी प्रकार का कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट तो नहीं है अब मैं आपसे पूछता हूं प्रोफेशनल स्कैप्टिजम आपको बिगनिंग ऑफ द ऑडिट लगाना चाहिए ड्यूरिंग ओवरऑल uh, पूरे इंटायर पीरियड में लगाना चाहिए या ओवरऑल कंक्लूजन ड्रॉ करते समय बैलेंस शीट के ऊपर कंक्लूजन ड्रॉ करते समय थ्रू आउट द ईयर या प्लानिंग लेवल पे तीन में से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे बिगिनिंग ऑफ द ईयर ड्यूरिंग ऑडिट मतलब हर समय या बैलेंस शीट डेट पर जिस दिन आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सिग्नेचर कर रहे हैं बैलेंस शीट डेट वाले कितने जरा हैंड रेट करना मैं देखना चाहता हूं ईमानदारी से हाथ खड़ा कर दिया करो हैंड रेज की सर बैलेंस शीट है जैसे क्रिस्टीना लिख रहे हैं ओवरऑल बैलेंस शीट डेट पर तो बेटा प्रोफेशनल स्कैप्टिज्म हर समय इंटायर ऑडिट पीरियड में आपके अंदर होनी चाहिए क्वेश्चन है कि प्रोफेशनल स्कैप्टिजम एक दिन नहीं कि एक दिन हम चौकन्ने हैं बाकी दिन सो रहे हैं ऐसा हो सकता है क्या अच्छा ओवरऑल पीरियड आई मीन मतलब थ्रू आउट द इंटायर ऑडिट में आपको प्रोफेशनल स्कैप्टिज्म क्या करना पड़ेगा मेंटेन करना पड़ेगा ठीक है सर अब आपको एक और चीज मैंने समझाना है जैसे आप लोगों ने देखिए ऑडिट इज वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट तो मैं बार बार प्रैक्टिकल एग्जाम्पल यहां पे लूंगा आपके पास किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट आते हैं कोई इंफॉर्मेशन आती है कोई ट्रांजेक्शन का आप ऑडिट कर रहे हैं तो आपने सर एक वर्ड यूज किया कि हमें प्रोफेशनल स्कैप्टिजम मेंटेन करना है ठीक है उसके बाद आपने एक बात और कही कि आपके पास उन ओपिनियन को एक्सप्रेस करने के लिए ऑडिट एविडेंस होना चाहिए तो यहां पर एक वर्ड आ रहा है कॉरोबरेशन ऑडिट एविडेंस आप अगर इस वर्ड को देखेंगे इस वर्ड के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और सिमुलेशंस मेरा पूरा फोकस आप में सिमुलेशंस में मास्टरी को अटेंड कराना है अब ये एक टेक्निकल वर्ड है कॉरबोरेटिव एविडेंस इज एविडेंस दैट टेंड्स टू सपोर्ट प्रपोजिशन दैट ऑलरेडी सपोर्टेड बाई इनिशियल एविडेंस अब एक बैंक में चोरी हो जाती है और जब बैंक के मैनेजर को रिप्रेजेंट किया जाता है बैंक का मैनेजर गवाही देता है कि भैया ये लोग चोरी करने आए थे मैंने देखा था तो वो एक विटनेस हो गया कि नहीं विटनेस जो उस उस पर्टिकुलर एक्ट को क्या कर रहा है सपोर्ट कर रहा है अब जो मजिस्ट्रेट है कोर्ट का डिसीजन देने जा रहा है कि यार ये बैंक मैनेजर ने देखा है लेकिन अगर बैंक मैनेजर बोले कि मेरे पास इस बात का सीसीटीवी कैमरा भी है कैमरे की रिकॉर्डिंग्स हैं, जिससे मैं प्रूफ कर सकता हूं कि वो ये पर्सन है तो आप मुझे बताइए जो आई विटनेस है वो एविडेंस है या कैमरा? आप आप मुझे बताइए। देखिए इस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से आपके दिमाग में एक वर्ड आ गया डिक्शनरी मीनिंग नहीं समझने चाह रहे यहां पर हम कॉरोबोरेटिव एविडेंस से क्या निकाल रहे हैं तो मैं अगर आपसे पूछूं क्या ऑडिटर का ओपिनियन कॉरबोरेटिव कॉरबोरेशन एविडेंस से इम्प्रूव हो जाएगा उसका जो डिसीजन मेकिंग है वो इनहेंस हो जाएगी तो आप इसको अग्री करेंगे कि नहीं करेंगे सभी लोग यस सर क्योंकि कॉरबोरेशन क्या है दैट इज ऑलरेडी सपोर्टेड बाय सम ट्रायल तो यहां पर एक लिखा है इज एविडेंस दैट टेंड टू सपोर्ट कहीं कही ना कहीं सपोर्ट करने के लिए आपके पास एक एविडेंस अकेले नहीं होना चाहिए वो उस चीज को एक तरीके से और जस्टिफाई करती कन्फर्म करते, करते हूं कि हाँ ये एक्ट हुआ है जैसे एक एग्जाम्पल मैंने यहां पे दिया हुआ है सेम एग्जाम्पल कि मजिस्ट्रेट के सामने सस्पेक्ट खड़ा हुआ इन फ्रंट ऑफ अन्विंस स्टोर एट सर्टेन टाइम द स्टोर सिक्योरिटी वीडियो माइट

तो मैं आपसे पूछू ऑडिटर कॉरबोरेटिव एविडेंस को कलेक्ट करने में इंटरेस्ट रहेगा या नहीं रहेगा तो ऑब्वियस बात आप बोलेंगे सर रहेगा तो कहीं ना कहीं ऑडिट में आपको एविडेंस के बेसिस पर ही क्या करना है ओपिनियन देना है तो मैं आज के बाद जब कभी भी आपसे एक बात बोलूंगा इंटायर ऑडिट में ओपिनियन के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होनी चाहिए ओपिनियन के पीछे क्या सबसे बड़ा बेस होना चाहिए वो वर्ड क्या यूज करोगे आप नॉट ओनली एविडेंस सिर्फ एविडेंस वर्ड यूज नहीं करोगे दो तीन वर्ड के ऊपर आपको ध्यान देना है एक तो सफिशियंट एंड्रोप्रिएट क्या होना चाहिए सर वो सफिशियंट एंड्रोप्रिएट भी होना चाहिए और वो कॉर्बोरेशन हो तो और बहुत अच्छी बात है आज आप सोचिए एक मजिस्ट्रेट जब कोई डिसीजन देता है ओपिनियन ही तो फॉर्म करता है वो ओपिनियन किसके बेसिस पे फॉर्म करता है एविडेंस तो ऑडिट में भी आपके ओपिनियन के लिए आपके पास क्या होना चाहिए एविडेंस होना कंपलसरी होगा हाँ ट्विंकल शर्मा ने बिल्कुल सही लिखा इस कि यहां पर आपके पास कॉरबोरेटिंग एविडेंस होना चाहिए तो किसको कोई कॉर्बरेटिंग बोल देते हैं कुछ कोरोबोरेटिंग बोल देते हैं आप अपने हिसाब से इसका प्रोनाउंसिएशन निकाल लेना हमें रटना नहीं है कि ये मीनिंग कोई आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछने वाले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सफिशियंट ऑफ़ क्वेश्चंस तो हम बार बार वर्ड यूज कर रहे हैं सर एक और सफ़िशिएंट और इसके ऊपर मैंने बहुत ज्यादा फोकस किया है सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस सफिशियंट मतलब क्वांटिटी या क्वालिटी तो सर सफिशिएंट मींस नंबर क्वांटिटी हाउ मेनी एविडेंस यू हैव इज कॉल्ड सफिशियंसी बट रिलायबिलिटी रिलेवेंस क्वालिटी जो है वो हमेशा एप्रोप्रिएशन के थ्रू क्या की जाएगी जज की जाएगी एक बात ये जो ऑडिट रिस्क लिखा है इसी को हाईलाइट कर लेना मैंने भी किया हाईलाइट मैं आपसे एक बात पूछता हूं क्या सफिशियंट एंड एप्रोप्रियट ऑडिडेंस एविडेंस के बेसिस पे आर लो होता है क्या या इट विल नॉट इंपैक्टेड मैं आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल चेक कर रहा हूं कि सर अगर आपके पास सफिशियंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है तो क्या उससे रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट के ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ता है क्या लो यस yes, और कुछ लोग बोलेंगे नो no इम्पैक्ट सोच के बोलना टेक योर टाइम जल्दी नहीं है मुझे लो हाई नो इम्पैक्ट कोई नो no इम्पैक्ट वाला है वो अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं आपके पास किसी बात का एविडेंस है कि वहां पर फ्रॉड हुआ है रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट आपने एविडेंस कलेक्ट कर लिए तो कहीं ना कहीं एविडेंस के बेसिस पर आप ओपिनियन एक्सप्रेस तो कर सकते हो लेकिन इसके कारण आपका लोअर हाई कैसे डिसाइड होगा आप मुझे बताओ। इससे आपको यह तो पता चल जाएगा कि सर वहां पर कोई मिस स्टेटमेंट हुआ बट आपका असेसमेंट आपके असेसमेंट को सपोर्ट जरूर करता है तो अगर हम यहां पर एक बहुत माइन्यूट वर्ड को पढ़ने जा रहे हैं ऑडिट रिस्क वर्सेस आरएमएम में आपको दो चीजें एक साथ समझाने की कोशिश करूंगा RMM और ऑडिट रिस्क का क्या रिलेशन होना चाहिए ये वर्ड को हम प्रैक्टिकली थोड़ा सा समझेंगे क्योंकि ये इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हैं यहां पर मैं आपके सामने कुछ चीजें मैंशन करूंगा रिस्क ऑफ मटेरियल बेसिस स्टेटमेंट और एक ऑडिट रिस्क सर ऑडिट रिस्क का क्या मीनिंग है सबसे पहले तो आपको बेसिक क्लास में समझाया गया है कि ऑडिट रिस्क कि जब एक कंपनी का फाइन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करते समय ऑडिटर ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहा है तो कहीं वो इन अप्रोप्रिएट ओपिनियन एक्सप्रेस ना कर दे इसको बोलते हैं ऑडिट रिस्क इन इनएप्रोप्रिएट मतलब गलत रिपोर्ट ना दे दे तो अगर आपका आरएमएम रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हाई है तो ऑडिट रिस्क हाई होगी या लो होगी फिर आते हैं आपके एविडेंस तो आप यहां पर दोनों वर्ड को ध्यान रखिए ये तीन चीजों के बीच में मैं रिलेशनशिप आपसे समझना चाह रहा हूं दिमाग लगाना आपको है कि एक एविडेंस ऑडिट रिस्क का और एविडेंस तो सर अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट जितना ज्यादा हाई है ऑडिट रिस्क भी क्या हो सकती है हाई होगी कि नहीं होगी लो क्यों होगी कई बच्चे पर सर लो होगी हाई होगी कि आप कहीं गलत ओपिनियन तो नहीं दे रहे हैं? और अगर आपके पास जितने ज्यादा आर एम एम है उतने एक्सटेंसिव उतने, उतने आपको क्या करने पड़ेंगे ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे ओपिनियन देने के लिए कि सर जितने ज्यादा एविडेंस कलेक्ट कर लूं तो अगर मैं बहुत ज्यादा एविडेंस कलेक्ट कर रहा हूं तो मेरी ऑडिट रिस्क इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी ये भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं अगर एविडेंस को कलेक्ट कर लें, तो फिर इन इनअप्रोप्रिएट देने के चांसेस कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगे कम होते जाएंगे ये भी सोचना पड़ेगा क्योंकि ऑडिटर किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ओपिनियन एक्सप्रेस करोप्रिएट या गलत एक्सप्रेशन तो जितने ज्यादा एविडेंस मेरे पास होंगे जैसे आप कल को आप मुझे अपना परफॉर्मेंस रिपोर्ट भेजो कि सर हम

तो एक रिस्क है तो उस रिस्क को मैं हाई रखना चाहूंगा या लो रखना चाहूंगा ऑब्वियस सी बात है लो रखना चाहूंगा तो मैं क्या करूंगा आपके उस 20 यूनिट्स का परफॉर्मेंस पूरा देखूंगा मैं काम करूंगा उस 20 को भी सब यूनिट वाइज द... सब यूनिट वाइज भी कैटेगराइज करूंगा पहले यूनिट के अंदर पांच सब यूनिट के हर यूनिट के अंदर इसका अच्छा स्कोर आ रहा है मैंने ये देखा तो जितने ज्यादा एविडेंस मैं कलेक्ट करते जा रहा हूं उतनी मेरी ऑडिट रिस्क क्या होती जा रही है लो होती जा रही तो ऑडिट एविडेंस आप इसीलिए कम कर कलेक्ट करते हैं जिससे आप ऑडिट रिस्क को क्या कर लें लो लेवल पर लेकर आ जाए तो ज्यादा ऑडिट एविडेंस ऑडिट रिस्क कम हो जाएगी और बेटर आप क्या कर पाएंगे कंक्लूजन ड्रॉ कर पाएंगे बात समझ में आ गई ये रिलेशनशिप आपको समझ में आ गया आरएमएम और उसका अब आगे बढ़ते हैं एविडेंस के बारे में हमने पढ़ लिया अब ऑडिटर का ओपिनियन के बारे में सारा बात कर रहे हैं बार बार ऑडिटर के ओपिनियन के बारे में तो ऑडिटर का ओपिनियन अल्टीमेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर है आपने ऑडिट का जो ओपिनियन देना है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर देना है अब जब ओपिनियन को फॉर्म करते हैं तो सबसे पहला जो ओपिनियन आ रहा है वो अनमोडिफाइड अन का मतलब क्लीन या कुछ प्रॉब्लम है अगर मैं आप लोगों से पूछूं अनमोडिफाई सर अन मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट फेयरली प्रेजेंटेड है और फेयरली प्रेजेंटेड है द कंक्लूजन डेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फेयरली मटेरियल रिस्पेक्ट इन विद फ्रेमवर्क ये तीन बातें हो रही हैं तो मतलब अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है ना तो आपका जो ओपिनियन होता है वो अनमोडिफाइड होता है और अनकालीफाइड वर्ड हम यूज करेंगे केवल इशुअर के लिए पब्लिक कंपनी के लिए बेटा क्या यूज करेंगे अनकालीफाइड अब अगला हम वर्ड यूज करने जा रहे हैं क्वालिफाइड ओपिनियन क्वालिफाइड को भी मैंने उस दिन आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है बेसिक क्लास में ही इसका मीनिंग समझा दिया था क्वालिफाइड का मतलब क्लीन या कुछ प्रॉब्लम है क्वालिफाइड hmm? मीनिंग क्या होगा सर क्वालिफाइड मीनिंग मतलब आप कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं एक कमी को हाईलाइट कर रहे एक कमी को या कुछ एरिया को डिस्क्राइब करना चाह रहे तो यहां पर एक वर्ड में यूज कर रहा हूं एक्सेप्ट फॉर द मैटर ये वर्ड वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है एक्सेप्ट फॉर द मैटर मतलब केवल और केवल उस पर्टिकुलर मैटर उस को छोड़कर पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है फेयरली प्रेजेंटेड अकॉर्डेंस विद द फ्रेमवर्क है तो एग्जामिनर कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि सर हम ये कहना चाहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो क्वालिफाइड है बट फिर भी फेयरली प्रेजेंटेड है ट्रू और फॉल्स आपने बोला ट्रू सभी ने बोला ट्रू अब मैं एक और बात पूछना चाहता हूं आपसे देखते हैं आप लोग वो चीज पकड़ पाते हो कि नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिस है बट स्टिल हम क्या क्वालिफाइड ओपिनियन दे सकते हैं मटेरियली स्टेटमेंट है मैं आपकी बातों को ध्यान से सुनना चाह देखना चाह रहा हूं मैं आंसर पढ़ रहा हूं चैट बॉक्स में चैट बॉक्स में सब लिखते जा रहे हैं मैं देखना चाह रहा हूं सुनिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियलीस स्टेटमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने यहां पर ये नहीं बोला सब्जेक्ट टू मैटर अभी ये वर्ड कहा मैंने बोला है तो सर अगर पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिस स्टेटमेंट तो फिर क्वालिफिकेशन नहीं आता बेटा फिर क्या आता है एडवर्स आता क्योंकि आप बोल रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरा आप ये तो फिर यहां पर एडवर्स आएगा अगर मैं बोलता कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब्जेक्ट टू मिस स्टेटमेंट है मतलब वो मिस स्टेटमेंट के अलावा सब कुछ सही है तो फिर क्वालिफिकेशन आएगा मतलब अभी जैसे मेरे पास ये फोन है मैं बोलूं कि यार ये ये आईफोन है इसका क्या बोलते इसमें यार है ना ऐप डाउनलोड करना हो ना कोई सा तो परमिशन लेनी पड़ती है बाकी सब कुछ बढ़िया है इस मोबाइल ये क्वालिफिकेशन है या एडवर्स बोल रहा हूं मैं इसको मतलब कहीं ना कहीं कही मैं एक एक कमी को बता रहा हूं कि यार अगर इसमें कोई ऐप डाउनलोड करना हो तो वो जाके परमिशन लेनी पड़ती है तो ये आपने क्वालिफिकेशन दी लेकिन मैं बोलूं कि यार ये मोबाइल बेकार है यार ना आवाज आती है ढंग से ना फोन इसका सही है ना इसकी तो सारी तरफ तो जब तक पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिस स्टेटमेंट ना हो तब तक आप उस तब तक आप एडवर्स वर्ड यूज नहीं करते और किसी बात को एडवर्स करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है किसी बात किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एडवर्स बताने के लिए ऑडिटर के पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होनी चाहिए ऑडिट एविडेंस मतलब मैं ये कहूं कि बिना एविडेंस के आप कभी भी एडवर्स रिपोर्ट नहीं दे सकते तो ट्रू होगा या फॉल्स ट्रू सर क्या बिना एविडेंस के हम अनक्वालिफाइड ओपिनियन दे सकते हैं बिना एविडेंस के अनक्वालिफाइड मैं बोलूं यार ये बढ़िया है कोई गलती नहीं है तो भी मेरे पास एविडेंस होना चाहिए मतलब ओपिनियन सर बिना एविडेंस के कलेक्ट बिना एविडेंस के आप कभी भी बिना एविडेंस के कभी भी अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते और अब एविडेंस के बेसिस पे दो तीन ही प्रकार के तीन प्रकार के ओपिनियन एक्सप्रेस होते हैं एक होता है एडवर्स एक होता है क्वालिफाइड और एक होता है अनमोडिफाइड एक होता है डिस्क्लेमर डिस्क्लेमर के लिए आपके पास कभी भी एविडेंस नहीं होता एविडेंस जब कभी भी डिस्क्लेमर वर्ड आए तो इस बात के ऊपर ध्यान देना कि डिस्क्लेमर में हमारे पास क्या नहीं होता एविडेंस नहीं होता और वो एविडेंस नहीं है इसके कारण हम डिस्क्लेम नहीं कर सकते वो एविडेंस ना होने के कारण हमारा प्रोस्पेक्टिव थॉट ये होना चाहिए कि भैया इस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमें ओपिनियन एक्सप्रेस करना है और हमारे पास एविडेंस नहीं है और हमको लगता है कि वो जो पॉसिबल इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा हो सकता है दो तीन बातें डिस्क्लेमर के लिए भी क्या चाहिए इस बात की श्योरिटी चाहिए कि वो जो पॉसिबल या प्रोबेबल इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा ब्रॉड होगा बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होगा तो सर डिस्क्लेमर एडवर्स और क्वालिफिकेशन तीन बातों के ऊपर ध्यान दीजिए एडवर्स एविडेंस है सब कुछ खराब है पर वैसे है मटेरियल बेसिस स्टेटमेंट एडवर्स सर हमारे पास एविडेंस नहीं और हमको लग रहा है कि पॉसिबल इफेक्ट पॉसिबल इफेक्ट क्या है जो है वो मिसस्टेटमेंट का परवेसिव हो सकता है डिस्क्लेमर सर हमारे पास मिसस्टेटमेंट है लेकिन वो परवेसिव नहीं है इस बात का कोई एविडेंस नहीं है क्या दोगे हम किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करने जा रहे हैं हमारे पास कोई किसी एक एरिया में एविडेंस नहीं है कि वो अकाउंट रिसीवेबल है वो सही है या नहीं सही है हमारे पास एविडेंस नहीं है क्वालिफिकेशन एडवर्स और डिस्क्लेमर क्वालिफिकेशन बात सबको यहां पर अच्छे से समझ में आ गई होगी और दोबारा रिपीट करोगे तो और आ जाएगी और इसके लिए मैंने यहां पर एक चार्ट बना दिया है यहां पर आपके लिए चार्ट बना दिए है जिसको हमने पूरा डिटेल समझा है रीजन फॉर मॉडिफिकेशन मटेरियल बट नॉट परवेसिव यहां पे क्या लिखा मटेरियल बट नॉट परवेसिव तो क्वालिफाइड ओपिनियन इन एबिलिटी टू ऑपटेन एविडेंस क्वालिफाई क्योंकि यहां पर परवेसिव नहीं है और सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिज स्टेटमेंट हो और मटेरियली परवेसिव हो मटेरियल एंडसिव हो तो एडवर्स और सर इन एबिलिटी टू ऑप्टेन सफिशियंट और वो क्या हो परवेसिव हो तो डिस्किल भूलोगे तो नहीं बेटा ये बात ज्यादा से ज्यादा आपको कंफ्यूजन हमेशा क्वालिफिकेशन और डिस्क्लेमर में एक ही जगह होगा जहां हम हो बोलेंगे कि एक कंपनी के अकाउंट रिसीवेबल है उसके पास आपके पास एविडेंस नहीं है आप सुनते से कौरन कंक्लूजन पे आ जाओगे अच्छा एविडेंस नहीं है डिस्क्लेमर, बस यही आप खराब कर दोगे काम आपको याद रखना चाहिए कि डिस्क्लेमर के लिए एक वर्ड हमेशा मेंशन होना चाहिए वो है परवेसिव देन ओनली एबल टू सॉल्व दी आंसर तब आप क्या करेंगे सही आंसर दे पाएंगे चलिए अब बढ़ते हैं असर्शन पहली यूनिट है तो बेसिक लेवल की असर्शन असर्शन का कौन मतलब बताएगा मीनिंग ऑफ असर्शन सामने लिखा है मैनेजमेंट रिप्रेजेंट दैट स्टेटमेंट और अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जब किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाया जाता है तो मैनेजमेंट वहां पर इंप्लिसिटली और एक्सप्लिसिटली कुछ असर्शन लेता है और असर्शन में सारी चीजें आती हैं रिकोग्नेशन मेजरमेंट एंड प्रेजेंटेशन जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं मैनेजमेंट ने बोला कि हमने हमारी रेवेन्यू को हंड्रेड परसेंट रिकोगनाइज कर लिया हमारी इस साल में जो भी सेल्स हुई थी वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हमने सारी की सारी सेल्स को रिकॉग्नाइज कर लिया ये कौन सा लेवल का सर्शन है क्या है ये किस प्रकार का सर्शन है सर ये कंप्लीटनेस असर्शन है या नहीं हम बोल रहे हंड्रेड परसेंट हमने हमारी सेल को रिकॉग्नाइज कर लिया दिस इज कॉल्ड कंप्लीटनेस रिकॉग्निशन मैं बोल रहा हूं कि ये फिजिकल जो हमारे पास ये जो फिक्स असेट्स पड़ी हुई है इसके लोन का पूरा रीपेमेंट हमने कर दिया है हमने बैंक से लोन लिया था सारा लोन रीपेमेंट हो गया ट काइंड ऑफ असर्शन असरशन कई बच्चे बोल रहे वेल्युएशन राइट एंड ऑब्लिगेशन पढ़ा है आपने कि नहीं राइट एंड ऑब्लिगेशन एक असर्शन होता है कि नहीं होता है मैं बोल रहा हूं कि ये असेट मेरी है मतलब मैं इसके ऊपर एक राइट right क्लेम कर रहा हूं और इसके ऊपर जो लोन चल रहा था वो मैंने रीपेमेंट कर दिया है तो मैं बोल रहा हूं कि अब ऑब्लीगेशन हमारे ऊपर नहीं है तो ये क्या है एक असरशन मैं बोल रहा हूं कि हमारे इस कंपनी में रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हुए हैं ये किस प्रकार का असर्शन है प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नोट्स टू अकाउंट्स में मैंने प्रेजेंटेशन दे दिया है डिस्क्लोजर दे दिया है कंपनी ने अपने सारे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को क्या कर लिया आइडेंटिफाई कर लिया तो एक कंपनी जब अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है तो असर्शन कौन देता है मैनेजमेंट या ऑडिटर तो सर ऑब्वियसली बात है मैनेजमेंट क्या देता है असर्शन देता मैनेजमेंट का ही काम है असर्शन को प्रोवाइड करना बहुत सरल लग रहा होगा ऑडिट अभी आपको तो असर्शन जनरली ट्रांजेक्शन रिलेटेड डिस्क्लोजर इवेंट ये सारी चीजों के ऊपर होती है कि हमारा ये ट्रांजेक्शन हुआ है ये रिलेटेड डिस्क्लोजर है एक इवेंट हुआ है इवेंट मतलब कंपनी के ऊपर कोई कोर्ट केस हो गया ये क्या है एक प्रकार का इवेंट कंपनी के फैक्ट्री में आग लग गई इवेंट मैनेजमेंट बोल रहा आग लग गई कोई नुकसान नहीं हुआ है मैनेजमेंट यह असर्शन दे रहा है तो आपको किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के असर्शन को वेरीफाई करना सबसे पहला असर्शन आप वेरीफाई करेंगे नंबर का सीक्वेंस नहीं है मतलब हमने यहां सीक्वेंस में लिखा ऑकरेंस ऑकरेंस को कैसे वेरीफाई कराया जाएगा कि ये ट्रांजेक्शन हुआ है कैसे करोगे वेरीफाई एक स्टूडेंट बोल रहे सर फिजिकल वेरिफिकेशन करके क्या फिजिकल वेरिफिकेशन करके ऑकरेंस को वेरीफाई किया जा सकता है कितने लोगों को लगता है कि फिजिकल वेरिफिकेशन करके ही हो सकता है अब आप मुझे बताना मैंने कंपनी ने सेल्स करी उसका कैसे फिजिकल वेरिफिकेशन करोगे कैसे कर लोगे फिजिकल का क्या मतलब तो जाके आंखों से देखोगे ना टच करके देखोगे ना यही मतलब होता है ना फिजिकल का फिजिकल वेरिफिकेशन का तो कभी भी ऑकरेंस के साथ में फिजिकल वेरिफिकेशन को मत डाल देना ऑकरेंस हमेशा डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग एविडेंस को देखकर ली जाती है जैसे सेल्स मैं बोलता हूं चलो मैं आपसे बोलता हूं कि यार मेरे 50 बच्चे अभी कल ज्वाइन किए क्या फिजिकल वेरिफिकेशन मेरे इंस्टिट्यूट में आके चक्कर काटोगे कि सर के पचास बच्चे इनरोल हुए कि नहीं हुए क्या मेरे जूम मीटिंग में आके देखोगे कैसे वेरीफाई करोगे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लाइए सर पचास बच्चों का इनरोलमेंट हुआ है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई, कोई, कोई बैंक स्टेटमेंट में फीस डाली होगी या आपके पास कहीं ना कोई रजिस्टर होगा तो फिजिकल वेरिफिकेशन वर्ड यहां बोलना नहीं है तो एक कीवर्ड क्या निकल गया रिकॉर्डिंग से ही हमें पता चलेगा रिकॉर्ड्स बिना रिकॉर्ड्स चेक किए कभी भी आप ऑकरेंस को चेक नहीं कर पाओगे याद रहेगा ये बात बोलोगे तो नहीं प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दिया मैंने अपनी कोचिंग का अगला आता है कंप्लीटनेस तो कंप्लीटनेस अपने को चेक करना है ऑल ट्रांजेक्शन इवेंट दैट शुड हैव बीन रिकॉर्ड दैट शुड बी रिकॉर्डेड दैट शुड बी रिकॉर्डेड वर रिकॉर्डेड और नॉट आपको देखना है कि जो रिकॉर्ड होना चाहिए था वो हुए कि नहीं अब एक एग्जाम्पल लेता हूं आप यहां पर बताना एक कंपनी बोल रही है यहां पर आते कि हमने टेन बॉक्स शिप किए हमने यूएसए में शिफ्ट आप सेल्स इनवॉइस चेक करोगे या शिपिंग डॉक्यूमेंट चेक करोगे अगर मैं आपसे ऐसा पूछूं सेल्स इनवॉइस से शिपिंग चेक करोगे या शिपिंग से सेल्स इनवॉइस चेक करोगे मेरा क्वेश्चन आपसे सोच के आंसर देना बेटा इनवॉइस से शिपिंग डॉक्यूमेंट या शिपिंग डॉक्यूमेंट से इनवॉइस बोथ नहीं हो सकता आंसर आपने बोला कंप्लीटनेस तो आप सबसे पहले क्या करोगे इस कंपनी के मैनेजर को बोलोगे यार हमें चेक करना है कि आपने जितना भी माल बेचा है वो कंप्लीटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किया है कि नहीं किया मुझे ये बताओ तो आप बोलोगे लेकर आओ सारे शिपिंग डॉक्यूमेंट्स दस शिपिंग डॉक्यूमेंट आपको दिख गए उस दस शिपिंग डॉक्यूमेंट की इनवॉइस बने कि नहीं बने यही तो कंप्लीटनेस कंप्लीटनेस चेक चेक कर रहे चेक कर रहे रहे हो हो आप आप क्या के लिए शिपिंग डॉक्यूमेंट को उठाओगे invoice को नहीं उठाओगे जैसे मैं आप लोगों को सॉफ्टवेयर इशू करता हूं तो आप मेरे सॉफ्टवेयर इशू करने से वेरीफाई कर सकते हो कि मैंने प्रॉपर सेल रिकॉर्ड करिए कि नहीं किए ये नहीं देख सकते कि मैंने इनवॉइस इनवॉइस तो मैं नकली बना सकता हूं वो कंपनी इनवॉइस फोकस बना के अपनी सेल्स को बढ़ा के दिखा दे आप बोले तो पूरा इनवॉइस चेक करके आगे नहीं कंप्लीटनेस चेक करने के लिए आपको रिकॉर्ड्स तो चेक करने पड़ेंगे बट वो रिकॉर्डिंग भी रिलेवेंट होनी चाहिए बात रटना नहीं है इसको रटने की कोशिश करोगे सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे एक्यूरेसी एक्यूरेसी के साथ में मैं रिकल्कुलेशन वर्ड यूज करूं तो करेक्ट होगा या फिजिकल वेरिफिकेशन करेक्ट होगा आप मुझे बताओ एक्यूरेसी के साथ में मैं वर्ड यूज कर रहा हूं फिजिकल वेरिफिकेशन और रिकेल्कुलेशन व्हाट इज द करेक्ट वर्ड री इज द करेक्ट वर्ड सर क्या आप ऑडिटर अपने हिसाब से लगा के देखेगा ना कि यार ये इन्होंने सारा तो एक्यूरेसी भी आपको देखनी पड़ेगी तो एक्यूरेसी हमेशा डेटा के ऊपर ही लगाई जा सकती है ये छोटे छोटे कीवर्ड हैं। क्या एक्यूरेसी किसी फिजिकल एसेट्स के ऊपर लगाई जा सकती है उसका क्या लेना देना एक्यूरेसी से और कट ऑफ ट्रांजेक्शन कट ऑफ ट्रांजेक्शन क्या होते हैं बेसिक में बताया हुआ है सर थर्टी दिसंबर बैलेंस शीट डेट एंड है उस दिन दिन आप खड़े होकर देखोगे कि इस दिन जो इवेंट हुए हैं वो इसी पीरियड में रिकॉर्ड होने चाहिए थे या नेक्स्ट ईयर में रिकॉर्ड होने चाहिए थे ये आपका कंसर्न होगा इसके लिए आप बहुत सारी ऑडिटिंग प्रोसेस लगाएंगे इस ईयर के डेटा को नेक्स्ट ईयर के डेटा से क्या करेंगे, करेंगे। तो कट ऑफ प्रोसीजर भी देखना है आप क्लासिफिकेशन देखना है प्रॉपर अकाउंट में हुए कि नहीं हुए करंट असेट्स नॉन करेंट असेट्स आपको दिखना पड़ेगा कि करंट असेट्स और नॉन करेंट असेट्स का प्रॉपर प्रेजेंटेशन दिया है कि नहीं दिया है ये भी क्या है एक रिलेवेंट असर्शन को आप चेक कर रहे हैं अब असर्शन अकाउंट बैलेंस अकाउंट बैलेंस जैसे डेटर्स क्रेडिटर्स इज अकाउंट बैलेंस फिर उससे रिलेटेड डिस्क्लोजर चेक करोगे तो अब एक वर्ड आ रहा है एग्जिस्टेंस असर्शन अकाउंट बैलेंस के अंदर हम देखने जा रहे हैं एग्जिस्टेंस कि वो एग्जिस्ट कर रहा है या कि नहीं कर रहा है बैलेंस शीट डेट पर तो मैं अब आपसे पूछता हूं क्या एग्जिस्टेंस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आइटम पे करें या बैलेंस शीट आइटम पे करें एग्जिस्टेंस का सबसे पहला आपकी चॉइस क्या होगी बैलेंस शीट क्योंकि सर बैलेंस शीट डेट पर वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है हमें देखना है तो एसेट लाइबिलिटी एंड इक्विटी में जनरली क्या किया जाता है एग्जिस्टेंस को चेक किया जाता है राइट एंड ऑब्लिगेशन अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपके कंट्रोल में वो है या नहीं है चलो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं बीकॉम स्टूडेंट बताएं चार्टेड अकाउंटेंट स्टूडेंट मत बताना मेरे पास एक कार है किया कार है मेरे पास हाउ यू विल चेक राइट एंड ऑब्लिगेशन मैं बोल रहा हूं मेरे पास एक किया कार है आपने मैंने YouTube पर उसकी वीडियो भी डाल दी मैंने चला ली आपने वीडियो देख लिया तो ये इसी से मान लो कि ये फिजिकल वेरिफिकेशन हो गया इससे कंसीडर कर लें कि सर किया कार आपकी है मैं मेरे दोस्त की भी तो चला सकता हूं हुँ? कैसे पता करोगे पेपर वर्क अब आपके दिमाग में वर्क आना चाहिए सर राइट एंड नोट डॉक्यूमेंट किसके नाम से ऑनरशिप इंटरेस्ट तो ये ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेंगे प्रैक्टिकल वहां ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला थ्योरी तो आपने देखो फट से दिमाग लगा लिया कि सर फिजिकल वेरिफिकेशन वर्ड आएगा ही नहीं कार में फिजिकल वेरिफिकेशन का कोई रोल नहीं है क्योंकि फिजिकल वेरिफिकेशन राइट और ऑब्लिगेशन के लिए कभी भी नहीं आ सकता आपको यहां पर ऑनरशिप इंटरेस्ट को चेक करना है तो आपको डॉक्यूमेंट को ही वेरीफाई करना पड़ेगा राइट एंड ऑब्लिगेशन कंप्लीटनेस का कोई लेना देना नहीं है वो राइट एंड ऑब्लिगेशन से कोई लेना देना है क्या कंप्लीटनेशन का तो कंप्लीटनेस बैलेंस शीट पर वो पूरा का पूरा रिकॉर्ड हुआ है या नहीं हुआ है ये भी हमको क्या करना पड़ता है किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करते समय देखना पड़ता है तो सर कंप्लीटनेस को हम चेक करेंगे ऑल असेट्स एंड लाइबिलिटी इक्विटी इंटरेस्ट दैट शुड बी रिकॉर्डेड वर रिकॉर्डेड और नॉट और उससे रिलेटेड डिस्क्लोजर दिया गया है कि नहीं दिया गया कि गिव मी वन एग्जांपल ऑफ डिस्क्लोजर रिलेवेंट टू एसेट आप बताओ किस प्रकार का डिस्क्लोजर दिया जाना चाहिए एसेट्स के ऊपर कोई एक डिस्क्लोजर आपको याद आता हो डेप्रीशिएशन इज नॉट एन डिस्कलोजर सर मैंने अपनी एक एसेट्स को प्लेज किया हुआ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए मैंने एसेट्स को प्लेज किया हुआ उसके अगेंस्ट में लोन लिया उसको चार्जेस का तो यह क्या है डिस्कलोजर का एग्जाम्पल आप एक ऐसा दो जो सामने वाला कॉमन मैन भी समझे लाइबिलिटी को सर शॉर्ट टर्म थी मैंने लॉन्ग टर्म में रीफाइनेंस करने के लिए बैंक को एक लेटर लिखा हुआ है कि अब हम लाइबिलिटी को लॉन्ग टर्म कंसीडर करना चाहते हैं एक लिटिगेशन सेटलमेंट चल रहा है ये सब क्या है डिस्क्लोजर है एक्यूरेसी वैल्यूएशन अलोकेशन अभी आपने पढ़ा कि सर हम किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो एक्यूरेसी के लिए रिकेलकुलेशन देखेंगे उसका वैल्यूएशन देखेंगे अलोकेशन देखेंगे अलोकेशन में क्या आ सकता है सर डेप्रिशिएशन डेप्रीशिएशन इज ए अलोकेशन अमोरटाइजेशन इज ए अलोकेशन वैल्यूएशन में प्रॉपर वैल्यूएशन इन्वेंट्री का किया है कि नहीं किया है तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी पड़ेगी किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करते समय आपको उठा के केवल वाउचर नहीं चेक करना है कि आपने बोला अच्छा सेल्स बिल लाओ टिक मारना शुरू कर दिए वो कोई ऑडिट नहीं कहलाता सेल्स आया तो सेल्स कंप्लीट है कि नहीं है तो स्टॉक रजिस्टर लेकर आओ शिपिंग डॉक्यूमेंट लेकर आओ किसी कंपनी के फिक्स का वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो फिक्स के पेपर लेके आइए किसके नाम से कोई लोन तो नहीं है उसके ऊपर इस तरीके के क्वेश्चन आपके होने चाहिए ये आपका प्रोफेशनल स्कैप्टिजम है तो क्लासिफिकेशन आ गया ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं क्या करनी पड़ेगी देखनी पड़ेगी आगे बढ़ते हैं अब आगे बढ़ने से पहले शुरू के टेन क्वेश्चन आप लोग अभी राइट right नाउ अपने अपने सॉफ्टवेयर से अभी करेंगे क्योंकि मैंने बोला था कि हम जो पढ़ेंगे उसको एप्लीकेशन भी करेंगे संडे एवरी संडे हमारा थर्टी मिनट एप्लीकेशन के ऊपर होगा एटलीस्ट थर्टी मिनट जो है और अभी आप लोगों ने सॉफ्टवेयर को चलाया तो नहीं बिना मेरे से पूछे मैंने आपसे पहले ही बोला है जो नए स्टूडेंट ज्वाइन किए मेरे से पूछे बिना मत चलाना मैं आपको साथ में लेके चलूंगा इस बार आपको इस स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा दिख रही है स्क्रीन सभी को तो आप जाइए क्लिक कीजिए और ये ट्वेंटी सेवन में जाकर नीचे यहां पर स्टैंडर्ड ग्लैम ऑर्डर पर क्लिक करना और ट्वेंटी की जगह फिफ्टीन क्वेश्चन को ऐसे सेलेक्ट करना और इसको फिनिश करो और जो भी आपको क्वेश्चन ऐसा लगता है कि हमने सर पढ़ा नहीं है उसको स्किप कर देना उसको सॉल्व मत करना जैसे आपने पढ़ा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू कंसर्निंग ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये तो आपने है कि की आप क्लिक कर दोगे सॉरी तो, मैंने जल्दबाजी में पढ़ लिया क्योंकि वहां पे नॉट लिखा है ना तो गलत है जल्दबाजी नहीं करना है वहां पे देखो एक छोटा सा वर्ड नॉट लिखा था मैंने जल्दबाजी में उसको क्लिक कर दिया तो ये जल्दबाजी नहीं करना है तो ऑडिटर का, का काम क्या है फेयर प्रेजेंटेशन अब इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर देंगे मुझे तो पता है तो एक जल्दबाजी नहीं करना जैसे मैंने अभी तीस सेकंड भी नहीं पढ़ा और एंट्री नीचे देखा आड, देख ये काम नहीं करना अपन ने तो आपने क्या करना है आपने वापस जाना है इसके ऊपर क्लिक करना शुरू के पंद्रह क्वेश्चन को सिलेक्ट करो जिनके पास सॉफ्टवेयर आ चुके हैं और ग्लेम स्टैंडर्ड ऑर्डर में ही सिलेक्ट करना और वो पंद्रह क्वेश्चन का एक मॉक टेस्ट दो राइट right नाउ और आपको मैं एक फैसिलिटी भी दे रहा हूं कि अगर आपको किसी पॉइंट में प्रॉब्लम आती है तो नोट्स भी डाउनलोड करके भी आप पढ़ सकते हो पहले पहले पर नोट्स डाउनलोड कहां से होते हैं आपको सब पता है तो शुरू हो जाएगी बेटा जिनके सॉफ्टवेयर अभी एक्टिवेटेड नहीं है वो हो जाएंगे बट जिनके हैं वो तो मुझे परफॉर्मेंस भेजे जरा मैं देखना चाहता हूं थोड़ी देर के लिए मैं म्यूट कर रहा हूं और पंद्रह मिनट दिए मैंने आपको पंद्रह क्वेश्चन करने के लिए जो आपको लगे कि हमने नहीं पढ़ा उसको स्किप कर देना पंद्रह क्वेश्चन किए आपने दो क्वेश्चन आपके इनकरेक्ट थे ठीक है वेरी गुड मनमोहन सेवेंटी सेवन तीन क्वेश्चन गलत हैं सिक्सटी फोर कहीं ना कहीं अपना वीकनेस है इसमें अगर देखा जाए तो शुरुआत में ग्यारह क्वेश्चन आपने किए हैं चार गलत हैं ठीक है मैं देखना चाह रहा हूं कौन पचास के नीचे कौन कौन है सुमित है सिक्सटी परसेंट पे ठीक है गुरनूर है सेवेंटी एट परसेंट मतलब जो आपसे नहीं बन रहे थे मैंने बोला था उसको छोड़ देना पहले जो आपको लगता है कि आपको गैस वर्क नहीं करना है नहीं करना है जैसे इन्होंने देखो पंद्रह में से की, तो आपका एक ये सा आता है। ही आपने पंद्रह में से नौ किए बाकी बाद में आप कर सकते हैं समय जो ले रहे हैं जैसे गुरनूर का है ना ये फोर्टी एट सेकेंड ठीक है मुझे समय भी देखना है फोर्टी फाइव सेकेंड बहुत जल्दी है ट्विंकल थोड़ा सा समय लेना है एक, आप एक मिनट ले सकते हैं कोशिश कीजिए टेक वन मिनट फोर्टी से मतलब क्लास में सभी लोगों ने समय बस में देखना चाह रहा हूं फिफ्टी थ्री परसेंट ये रेड ये नहीं आना चाहिए अपना फिफ्टी थ्री देखो अब आपने यहां पे चौंतीस सेकंड में क्वेश्चन करने की कोशिश की दिस इज डेंजरस इवन इन प्रैक्टिस दिस इज डेंजरस ये काम नहीं कर रहा है अपने को नाइन्टी टू परसेंट वेरी गुड सिक्सटी फोर एक दो तीन चार पांच छ सात आठ बच्चों ने परफॉर्मेंस भेजी बाकी सब क्या कर रहे हैं एट्टी परसेंट बीस में से तुमने अच्छा बीस क्वेश्चन किए तुमने बीस में से चार क्वेश्चन तुम्हारे गलत हुए ठीक है So, आपको सॉफ्टवेयर सही तरीके से ऑपरेट करना है इसके लिए एक चीज जब आपने ये कर लिया तो उसके बाद उसके जस्ट नीचे एक और चीज लिखी आती है क्वेश्चन इन करेक्टली अब इन करेक्ट क्वेश्चन को जो मेरा जनरली मानना है कि आप आज उस समय मत करना जैसे ही आपने टेस्ट दिया उसी समय नहीं करने की जरूरत है तो पड़े रहने तो भी आपकी परफॉर्मेंस हो गई कोई दिक्कत नहीं आगे हम आते हैं फिर से टेस्ट बैंक में आते हैं यहां पर जब आप आएंगे जब आप कल करेंगे मतलब सेकेंड टाइम तो यहां पर फिर कस्टमाइज अप्रोच को आप क्लिक करेंगे कस्टमाइज अप्रोच और कस्टमाइज अप्रोच में आपने यहां पे क्लिक किया इन क्वेश्चन को ही आप कर रहे हैं नीचे आएंगे नेक्स्ट पे करेंगे आपने जो कल क्वेश्चन जैसे आज कर लिया तो क्वेश्चन आई हैव नेवर एंसर करेक्टली इसके ऊपर जाएंगे जो भी आपके क्वेश्चन गलत हो गए अब मेरे तो यहां पर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा जो गलत हुआ हो इस सॉफ्ट में, लेकिन आपके में आएगा तो गलत क्वेश्चन को ये करना है कुछ क्वेश्चन जो आपने छोड़ दिए थे क्योंकि आपको लग रहा था कि यार मैं अभी इसमें रेडी नहीं हूं मुझे वापस से एक बार अपनी बुक्स को या सर के लेक्चर को सुनना चाहिए तो आप यहां पर आए क्वेश्चन नेवर फिर इसके ऊपर आइए फिर इसका मॉक टेस्ट बनाइए तो इस तरीके से आपकी अप्रोच फॉलो करना है लेकिन जो बच्चे पचास या साठ कहीं ना कहीं नीचे हैं उनको उन क्वेश्चन का जस्टिफिकेशन पढ़ना चाहिए जैसे कई बच्चों का जो परफॉर्मेंस था अच्छा जो बच्चों के परफॉर्मेंस गलत आए क्या आप मुझे बताएंगे कि आप में से कितने स्टूडेंट बोलते ने सिली मिस्टेक कर दी सिली मिस्टेक कितनी हो रही थी आप लोगों से किन किन स्टूडेंट ने सिली मिस्टेक भी करी है तो सिली मिस्टेक्स को थोड़ा सा ध्यान रखें और अपनी परफॉर्मेंस को आपने क्या करना है सही तरीके से इंप्रूव करना है तो पंद्रह क्वेश्चन अभी आपने किए तो आपको एक आइडिया लग गया होगा इन फिफ्टीन क्वेश्चन को करने से फिफ्टीन क्वेश्चन को करने से कि सर हमें एप्लीकेशन थोड़ा सा बेटर तरीके से करना है आप कुछ बच्चों ने परफॉर्मेंस नहीं है बहुत समय लिया है सेवेंटी थ्री ठीक है तो देखिए आपका समय भी यहां पे रिकॉर्ड हो रहा है कि कब आप पढ़ रहे हो एक एक तो ये सॉफ्टवेयर को सही तरीके से रन करने की भी एक ट्रेनिंग थी यहां से आप आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट को देख पाएंगे और यहां से आप अपनी उस यूनिट की परफॉर्मेंस को देख पाएंगे व्यू परफॉर्मेंस और मैंने आपसे बोला है जब तक आप मुझे यहां पर एट्टी नहीं लाके दोगे कहीं ना कहीं आप पास नहीं हो पाओगे जो रियलिटी है मतलब सेवनटी फाइव सेवनटी एट भी मैं मान लेता हूं 78 is the last मतलब सेवनटी एट वाले बच्चे भी पास हो जाते हैं एवरेज अगर एवरेज कर लिया जाए सारे यूनिट्स की और उसको अगर ट्वेंटी से डिवाइड करें और अगर आपका स्कोर सेवनटी है तो आप डेफिनेटली पास हो तो आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए वो एकदम प्रोफेशनल अप्रोच सॉफ्टवेयर में अपने डेटा को एनालाइज करते समय और एक और बात जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं जैसे आप 27 को करने जाते हैं मेरी एडवाइस होगी कि बीस क्वेश्चन से ज्यादा एक बार में कभी भी सिलेक्ट ना करें आदमी का माइंड थर्टी मिनट प्रॉपरली काम करता है करता तो हमेशा ही है लेकिन जब कंसंट्रेशन सबसे बेस्ट होता और है और इनके भी अप्रोच है देखिए ग्लैम रिकमेंडेड ग्लेम का रिकमेंडेशन है ऑप्टिमल सेशन साइज फॉर ट्वेंटी क्वेश्चन उसके बाद कर लो दस मिनट का ब्रेक लेके जो क्वेश्चन आपको अच्छा लगे जैसे आपने रेंडमली कोई भी क्वेश्चन हम ले लेते हैं जैसे ये क्वेश्चन हमने उठा लिया आपको अगर ये क्वेश्चन अच्छा लगे जैसे अकॉर्डिंग टू ए यू टू हंड्रेड से तो में कंफ्यूजन होगा, होगा ना ये तो हो नहीं सकता कैन और मे तो है नहीं तो अगर आपको कन्फ्यूजन है कि यार शुड है या मस्ट है तो आप उस क्वेश्चन को स्पेसिफिकली क्या करेंगे हाईलाइट करेंगे अगर आपको कन्फ्यूजन है तो कंफ्यूजन मतलब ब्रेन बोल रहा है 50 परसेंट सही हो सकता है आपका क्वेश्चन भले सही हुआ लेकिन यू शुड फ्लैग दिस क्वेश्चन क्योंकि लास्ट मोमेंट पे ये क्वेश्चंस आपको रिवाइज करना है दोबारा तो क्या करेंगे फ्लैग उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर पे गए अब जैसे क्वेश्चन नंबर फोर है कितने स्टूडेंट का यह क्वेश्चन सही हुआ था वो हैंड रेस करें क्या आंसर दिया था आपने सुमित ऑडिटर ऑब्जर्व द मेलिंग ऑफ मंथली स्टेटमेंट टू क्लाइंट कस्टमर एंड रिव्यू एविडेंस ऑफ फॉलो अप एर रिपोर्टेड बाई द कस्टमर दिस टेस्ट कंट्रोल मोस्ट लाइकली फॉर्म टू सपोर्ट मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक ऑडिटर ने अपने क्लाइंट के कस्टमर को मेल किया लिखा है ना मेलिंग ऑफ मंथली स्टेटमेंट टू क्लाइंट कस्टमर एंड रिव्यू एविडेंस फॉलो एरर रिपोर्टेड बाय दी कस्टमर मतलब एक ऑडिटर एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करता है और जब अकाउंट रिसीवर की लिस्ट बनाता है और वो अकाउंट रिसीवल के लिए कॉन्फर्मेशन भेजता है कि यार क्या आप इस बैलेंस से अग्री करते हो और वहां से जो रि, रिपोर्ट आती है उसको वो रिव्यू करता है तो ये किस प्रकार का असर्शन चेक कर रहे हैं बेसिक क्लास में ही बता दिया था कि सर अकाउंट्स बैलेंस में अगर हम चेक कर रहे हैं तो ये बैलेंस आज एग्जिस्ट करता है या नहीं करता ये चेक कर रहे हो आप तो एग्जिस्टेंस तो यस है एग्जिस्टेंस है ना तो आपको यस तो लग रहा है आप क्या क्लासिफिकेशन चेक करोगे क्या किसी को मेल करके क्लासिफिकेशन इंटरनल मैटर एक्सटर्नल मैटर है आप बताओ मुझे तो इसके लिए क्या चिट्ठी मेल वगैरह करनी पड़ेगी तो क्या मैं सी पे क्लिक कर सकता हूं सी सही होगा या नहीं होगा कितने लोगों को लगता है सी सही है सर सी लगा दिया आप लोगों ने तो सही हो गया तो आपको समय लेना तो एग्जिस्टेंस के साथ में हमेशा कॉन्फर्मेशन आएगी कॉन्फर्मेशन में कभी भी क्लासिफिकेशन चेक नहीं किया जा सकता कि कस्टमर को मेल करके कि हमने आपके बैलेंस को कैसे क्लासिफिकेशन किया इस तरीके के काम ऑडिट नहीं करता और ऐसा आंसर आपको बुक में देखने को नहीं मिलेगा आप यहां पर एग्जिस्टेंस चेक करें तो आपको यहां पर एक की बना लेना चाहिए अगर आपको एक क्वेश्चन अच्छा लगे तो अगेन आप इस क्वेश्चन को फ्लैक कर सकते हैं तो देखिए दूसरा झंडा लग जाएगा और ये झंडा लगाने से फायदा क्या होगा सर ये झंडे लगाए वाले क्वेश्चन को आप दोबारा छाट सकते हैं कि यार मैं उन एरियाज में वीक हूं डिस्कार्ड किया यहां पर आप आए आपने कस्टमाइज अप्रोच को सिलेक्ट किया और यहां पर आपने इसको सेलेक्ट करना आप एक प्रोफेशनल तरीके से अपने सॉफ्टवेयर को यूज करिए मैं बार बार बोल रहा हूं ओनली मार्क्ड और मिस्ड क्वेश्चन ऑल सेशन बोथ आने प्रोफेशनल तरीके से पढ़ना एग्जाम में फेल होने की गारंटी है तो जो भी क्वेश्चन आपके रहेंगे वो यहां पर सॉल्व हो जाएंगे अब एक स्टूडेंट बोल है सर पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए उसको भी समझ लेते हैं जो पहला क्वेश्चन हम कर रहे थे अब मैंने तो रैंडम में कर दिया तो वो पहला वो नहीं आएगा ग्लैम स्टैंडर्ड में आना चाहिए ये नहीं था पहला क्वेश्चन तो ग्लैम सजेस्टेड में करेंगे तभी पहला क्वेश्चन जो आप सबका कॉमन होगा वो आएगा अगर आप रेंडम सिलेक्ट कर लेंगे तो वो क्वेश्चन को रैंडमली फेंक देता देखो यहाँ रेंडम था ना इन स्टैंडर्ड ऑर्डर आई फिर से रेंडम आ गया ये क्वेश्चन था नहीं पहले तो मैंने उस दिन आपसे बताया था हु स्टैब्लिश जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कौन बनाता है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को कौन बनाता है सभी लोग आंसर दीजिए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाता है या एसईसी तो का काम ऑडिट करना होगा ऑडिटिंग का ऑडिटिंग ए एस बी उस दिन भी बताया था बेसिक क्लास में भी की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड अलग अलग है तो ध्यान से पढ़िए यहां पर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड लिखा हुआ था अब इतना पढ़ने की जगह आपको एक नोट्स बना लेना चाहिए अब कई बार क्या होगा कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड तो आप अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं Board and the इस बात के लिए एक्नोलेजमेंट कर दो क्योंकि बाद में आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ये भी पूछेंगे सर हमको सॉफ्टवेयर ही नहीं चलाते आ रहा और चला रहे तो अपनी मर्जी से चला रहे कुछ भी कुछ भी नहीं चलाना है दूसरी बात जब सिमुलेशंस में आएंगे तो सिमुलेशंस को अलग तरीके से समझेंगे जब हम सिमुलेशंस के ऊपर स्टार्ट करेंगे तो अभी सिमुलेशंस के बारे में बात नहीं कर रहा हूं क्लियर हो गया सभी को हाँ मेरा ईमेल आईडी आई डी आई एम सी ए शम्मी एट दी मेल डॉट कॉम इस पर आप अपने मुझे मॉक टेस्ट भेजें एक बार भेज दीजिए और जिन जिन लोगों ने भेजा दिया आई ए एम सी ए लिखा हुआ है जो बच्चों ने नहीं भेजा वो परफॉर्मेंस भेजें जरा फटाफट अभी शुरुआत की क्लास है तो डिस्कशन हो रहा है फिर आप सब एक स्ट्रीम लाइन में आ जाएंगे सर हाउ ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू ड्रॉ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिटर का, का काम नहीं होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना फोर परसेंट ये कौन थे अमित आकाश एट्टी वन मतलब एट्टी आ रहा है तो ठीक कर रहे हो लो. आप लोग मतलब आप ठीक ठाक पढ़ रहे हैं ऑडिटर का काम अच्छा ऑडिटर का काम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ड्राफ्ट करना नहीं है लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा पूछे कि क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की सर्विसेज दे सकता है तो यस yes. क्या ऑडिटर प्रिपरेशन से रिलेटेड सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर सकता क्या कर सकता है तो वो कर सकता है तो ये सारी चीजें भी अपने को ध्यान में रखते हुए ही क्या देनी है परफॉर्मेंस देनी है चलिए तो अब हम जो पढ़ रहे हैं यूनिट को फिनिश करेंगे अब पीसीओबी के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम डिस्कस कर रहे हैं तो पीसीओबी कौन से स्टैंडर्ड डिस्क्राइब करता है इशूअर्स के लिए किसके लिए इशुअर मतलब पब्लिक कंपनी पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड उसने भी असर्शन दिए पब्लिक कंपनी के लिए तो पब्लिक कंपनी के लिए उन्होंने एग्जिस्टेंस कंप्लीटनेस वैल्यूएशन ये पीसीओबी की स्टैंडर्ड्स बोलते हैं कि ये वाले एक ऑडिटर को चेक करना चाहिए किसके द्वारा प्रिस्क्राइब है पीसीएओबी के द्वारा पब्लिक कंपनी ओवरसाइट बोर्ड के द्वारा यह प्रिस्क्राइब अब जब आप कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करते हैं तो ऑडिट करने के लिए आपको स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना होता है स्टेटमेंट ऑन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड तो यहां पर एक अनकंडीशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि जहां कहीं भी अनकंडीशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एक्ट में वहां पर हम वर्ड यूज करेंगे मस्ट अब सर आप बोल रहे हैं जहां पर अनकंडीशनल हो मतलब कि क्या कोई दूसरी हम इस इस पर्टिकुलर प्रोसेस से डिपार्चर कर सकते हैं क्या अनकंडीशनल मतलब क्या आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन है यस और नो मैं आपसे पूछ रहा हूं देर इज एनी अल्टरनेटिव सोल्यूशन नहीं सर जैसे एग्जाम्पल एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करने के लिए ऑडिटर को इंडिपेंडेंट होना चाहिए इट इज अनकंडीशनल और प्रिज़म्प्टिवली मैंडेटरी क्या लगता है दोनों में से क्या होगा क्या बिना इंडिपेंडेंट हुए किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट किया जा सकता है क्या नहीं किया जा सकता तो बेटा यहां के लिए जब अकाउंटिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड सॉरी अकाउंटिंग नहीं ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में स्पेसिफिकली मेंशन होगा मस्ट ऑडिटर मस्ट भी इंडिपेंडेंट और ऑडिटर शुड भी इंडिपेंडेंट ऑडिटर मस्ट भी इंडिपेंडेंट ऑडिटर मस्ट भी तो यहां लिखा हुआ है उसके बाद जब आप किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिटर करते हैं तो मैनेजमेंट से ऑडिट एंगेजमेंट लेटर ले लेना चाहिए जैसे लिखा शुड ऑप्टेन एंगेजमेंट लेटर शुड ऑप्टेन एंगेजमेंट ले इसका मतलब कि आप डिपार्चर कर सकते हैं लेकिन आपको अगर डिपार्चर करना है तो आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर होनी चाहिए तो डिपार्चर करने के लिए यू शुड हैव सम काइंड ऑफ एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर आप डिविएट करें और कोई ऑल्टरनेटिव प्रोसेस ना लगाएं तो ये नहीं हो सकता स ऑफ प्रोसीजरल एक्शन ऑडिटर को रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन करने के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूं ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करना चाहिए शुड और मस्ट तो जब तक एक्ट में मस्ट ना लिखा हो आप अपनी मर्जी से नहीं बोलेंगे अगर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग ने मस्ट लिख दिया तो फिर मस्ट है लेकिन अगर उन्होंने शुड लिखा है तो इसका मतलब बिना रिप्रेजेंटेशन लेटर लिए भी एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के ऊपर ओपिनियन एक्सप्रेस किया जा सकता है अगर कहां लिखा हो ये बात कहां पर लिखी हुई ये बात तो जल्दी बताइए मैं क्या पूछना चाह रहा हूं आपसे तो इसका मतलब सर अगर ये बात स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में लिखी हो स्टेटमेंट ऑन स्टैंडर्ड ऑडिटिंग में कि बिना रिप्रेजेंटेशन लेटर लिए भी आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के ऊपर ओपिनियन एक्सप्रेस दे सकते हैं ऑडिटिंग रिपोर्ट दे सकते हैं तो फिर आपको लेने ले की जरूरत नहीं लेकिन आपको कोई अल्टरनेटिव प्रो, प्रोसीजर क्या करनी पड़ेगी अडॉप्ट करनी पड़ेगी क्योंकि वहां पर अगर शुड लिखा है तो, तो सर हमारे लिए कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट होंगे बस मतलब ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है जिन चीजों को मैंने हाईलाइट किया वो इंपॉर्टेंट दैट्स वाई मैं आपको बोल रहा हूँ ऑडिट में आपको मेरे नोट्स और मेरी लेक्चर से और भी आसानी होगी अब बाकी के पंद्रह क्वेश्चन आपको फिर से करना है अभी सत्ताईस क्वेश्चन थे ना पहली यूनिट फिनिश हो गई हमारी अब आप जाएंगे जिन्होंने पंद्रह क्वेश्चन पहले कर लिए अब वो क्या करेंगे वापिस से या जाएंगे कस्टमाइज अप्रोच पे क्लिक करेंगे और जो क्वेश्चन आपने छोड़ दिए थे वहां पर क्लिक करके उसका वापस से टेस्ट बनाएंगे और आपकी पहली यूनिट कंप्लीट हो जाएगी और अगर आप एट्टी परसेंट पर हैं जैसे यहां पर क्वेश्चन आई नेवर आंसर यहां पे क्लिक कीजिए जैन से बात कर लीजिए आपको डिजिटल बुक्स मिल जाएगी प्रियंका फिजिकल तो अभी आ नहीं रही तो है ट्वेंटी ट्वेंटी फोर तो आज आया है तो फिजिकल तो यूएस से ही आती है डिजिटल मिल जाएगी तो आप सभी लोग अपने अपने एक और मॉक टेस्ट को देंगे और मुझे रिपोर्ट भेजेंगे फिर मैं आप एंड में कंक्लूड करूंगा आज के लेक्चर को अगर आप इस परफॉर्मेंस को देखें ये जो आपकी परफॉर्मेंस आ रही है आपने क्वेश्चन किए हैं तो ये परफॉर्मेंस आपकी मेरे लेक्चर को सुनकर है पढ़ा कहा है अभी आपने प्रॉपर रीडिंग नहीं करी है तो आप सोचिए अगर आप सुनने के बाद रीड करने के बाद मेरे लेक्चर को सुनने के बाद और प्रॉपरली रीड करने के बाद अगर क्वेश्चन करेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस दस परसेंट और इंक्रीमेंट हो जाएगी कितना परसेंट सर किसी का नब्बे है तो सौ पहुंच जाएगा क्या सौ तो नहीं पहुंचेगा नाइन्टी फाइव जरूर पहुंच जाएगा लेकिन अगर किसी का सिक्सटी सेवेंटी परफॉर्मेंस आ रहा है जैसे क्रिस्टीना आप प्रियंका इन्होंने जो उन्होंने दिए थे जैसे आकाश तुम्हारा ये परफॉर्मेंस एटी वन परसेंट है उसके बाद अगर मैं बात करूं अमित अपना परफॉर्मेंस सिक्सटी फोर परसेंट है तो ये कहीं ना कहीं ऑरेंज है तो ये अपने को ब्लू में कन्वर्ट करना है ना टारगेट ये So, ये जो आपकी परफॉर्मेंस है ये मेरा ऐसा मानना है कि जो इंप्रूव हो जाएगी लेकिन गेस वर्क में क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं करना बिल्कुल भी नहीं चलेगी ऑडिट में ऑडिट इज वेरी डेंजरस सब्जेक्ट अब अब इवन फार आसान हो गया है तो ये सिक्सटी फोर से सेवेंटी फाइव पहुंच जाएगी जब आप दोबारा रीड करके एक बार करेंगे लॉजिकली सॉल्व करेंगे तो आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको यही अप्रोच रखना है कि मेरे लेक्चर को प्रॉपर सुनिए एक बार बुक की प्रॉपर रीडिंग कीजिए नोट्स के उसके बाद एमसीक्यू करिए और सीधे सीधे आगे बढ़ते चलिए और जब आपकी पूरी यूनिट एक कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मैं आपको अगले सेगमेंट में पूरा सिमुलेशंस के लिए गाइडेंस दूंगा कि सर हमें सिमुलेशंस कैसे करना है एक यूनिट के यूनिट को आपने पढ़ लिया सारे लेक्चर देख लिए एमसीक्यू कर लिए रीडिंग हो गई सिमुलेशन डन डन, खत्म काम अगली यूनिट टू पे चलेंगे ट्वेंटी तक ऐसे ही जाएंगे हम लोग परवेज एट्टी थ्री आ रहा है वेरी गुड तो ये अप्रोच है तो आप मुझे बताइए कि एक लाइव में अगर आप इस तरीके से पढ़ते चलेंगे एक टीचर के सपोर्ट के साथ में इंटायर जर्नी में तो क्या आप सीपीए नहीं बनेंगे 101% बनेंगे शत प्रतिशत बनना चाहिए आपको बस इसी बात को आपने ध्यान रखना है कि अपने सॉफ्टवेयर को सही तरीके से यूज करना मिसयूज ऑफ सॉफ्टवेयर इज वेरी डेंजरस थिंग तो आई गाइस आप सबको आज थोड़ा सा मजा भी आया होगा पढ़ के आया नहीं आया मजा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं बढ़ा तो अभी आपका 83% आ गया है स्कोर तो अगले लेक्चर में हम मिलेंगे और टेक्निकल अभी तो शुरुआत की यूनिट थी टेक्निकल यूनिट तो टेक्निकल चीजों को हम इसी तरीके से डिस्कस करेंगे इसीलिए आप हमारे लेक्चर को अब आप जैसे आपने ये पढ़ भी लिया आज तो भी आपकी ड्यूटी है कि मेरे इस लेक्चर को तुम्हारा कान में सुन लेना आप फास्ट ट्रैक पे भी सुन सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूं कि अगर आपको लगे कि सर ने तो स्लो पढ़ाया है हमको थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के सुनना है तो आप जो भी लेक्चर में आपको डिलीवर करता हूं उसको आप यहां पर तेज स्पीड करके भी सुन सकते हैं मतलब इसकी स्पीड आप नॉर्मल से थ्री पर टू पर जो आपको कन्वीनियंस हो उसको सुन सकते हैं तो प्रियंका वेरी गुड आपका एट्टी फाइव स्कोर है मैं उम्मीद करता हूं प्रियंका आप महीने रेगुलर रहकर एट्टी फाइव एट्टी फाइव सब पे टच कीजिए और हमने जो आपको कमिटमेंट दिया है सभी को वन ईयर इज इक्वल टू सीपीए मेरे पास पॉसिबल है क्योंकि मैं ही आपको पढ़ाने वाला हूं कोई बीच में जूनियर फैकल्टी नहीं आ जाएगी बहुत सारे इंस्टीट्यूट मेरे पास आते हैं सर वहां तो एक एक महीना टाइम लेना पड़ता है कभी कोई पढ़ा रहा था कभी कोई और पढ़ा रहा है नोट्स आप वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं तो नोट्स को जरूर पढ़िए और जब हमारी पहली यूनिट हो जाएगी तो मैं आपको ट्वेंटी थर्टी रिवल पॉइंट बनाने के लिए भी बोलूंगा सभी को कि सर आप लोग थर्टी पॉइंट बनाइए जो मैंने आपको उस दिन भी दिखाए थे जैसे मैं आपको एक और दिखा रहा हूँ वो स्टूडेंट्स ने मेरे से गूगल शीट शेयर करी हुई तो मुझे कई बार बताता रहता है कि सर देखो मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ वो भी नाइन्थ टेंथ का रिवीजन कर रहा है तो वो इस तरीके से मुझे भेजता रहता है कि जैसे उसको लगता है हायर द क्वालिटी एविडेंस द लेस क्वांटिटी ऑफ एविडेंस लाइकली टू रिक्वायर्ड तो उसने लिख लिया कि जितना ज्यादा क्वालिटी अच्छी होगी उतने लेस एविडेंस की रिक्वायरमेंट है उसकी अप्रोच रिलायबिलिटी के लिए क्या क्या चीजें चेक की जाती है उसको कोई बहुत अच्छी बात लगती तो वो अपने अपने कलर के हिसाब से जिसके जो कलर तो इस तरीके से आप ऐसे पूरी ट्वेंटी यूनिट्स के नोट्स को बनाएंगे बहुत अच्छी बात है अब रेगुलेशन और टीसीपी आ गया तो तीन पेपर तो आपके इस लैंग्वेज के पेपर के निकल जाएंगे आसानी से थोड़ा सा अकाउंटिंग की बेसिक कर लोगे तो फार भी निकल जाएगा और में आप लोग सीपीए बन एट्टी परसेंट वेरी गुड तो जिनका एट्टी परसेंट स्कोर है कमांडेबल है वेरी गुड आप लोगों ने अच्छी मेहनत की है सही तरीके से एनालाइज किया है आगे देखते हैं कि क्या एट्टी को कंटिन्यू करते हैं डाउन जाता है जाता है वी विल चेक बिल्कुल कर लिए तुम्हारा हो जाएगा काम अब देखो थर्टी फर्स्ट चल रहा है तो जनवरी फर्स्ट में तुम्हारा काम करा देंगे प्रेम के लिए और वैसे भी एग्जाम तुम कभी भी दो तुम्हारा रिजल्ट जून में ही आना है पांच जून को तो दो चार दिन इधर उधर भी हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा पर हो जाएगा तुम्हारा काम चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में